आज हम कोचई के पत्ते का भजिया बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने 8-10 कोचई के पत्ते ले लिए हैं, एक कटोरी चने की दाल ली है जिसे 2 घंटे के लिए हम गलाएंगे और फिर इसको मिक्सर में पीस लेंगे। यदि आपके पास चने की दाल नहीं है तो आप बेसन पाउडर ले सकते हैं। और इसके साथ ही इसका पेस्ट बनाने के लिए पत्ते में लगाने के लिए देखिए क्या क्या चाहिए। 1/2 चम्मच नमक, 2 चुटकी हींग और 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच गर्म पिसा हुआ मसाला और 2 बड़े चम्मच चावल पाउडर। आइए अब हम पेस्ट बनाते हैं। ये देखिए मैंने जो चना की दाल ली थी उसका पेस्ट बना लिया था, उसमें से थोड़ा सा पेस्ट मैंने इसमें पत्ते में लगाने के लिए निकाल लिया है। और जब तक हम ये पेस्ट तैयार कर रहे हैं तब तक मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि इसको फिर हम भाप में पकाएंगे। तो ये जितना मसाला हमने लिया है सब इसको हम इसमें चने की दाल में मिला लेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे, इसको ज्यादा गीला नहीं रखना है हमको, ऐसे ही थोड़ा सा बस ये पूरा मिक्स हो जाए इतना ही गीला रखें आप। इसको इस तरीके से अब हम पत्ते में लगा लेंगे, इस पेस्ट को अच्छे से पूरा बराबर से लगा लीजिए। बहुत मोटा लेयर नहीं लगाना है आपको, हल्का हल्का लगा दीजिए। इसके बाद दूसरा पत्ता ले लीजिए, उसको भी इस तरीके से रख के आप फिर लगा दीजिए। इस तरीके से आपको जितने पत्ते एक रोल के अंदर मिलाने हैं, 5 पत्ते, 6 पत्ते, 4 पत्ते, उस तरीके से लगाते जाइए। मैं इसमें 4 पत्ते मिला के रख रही हूँ। अब ये देखिए हमने 4 लेयर में इसको पत्तों को बिछा के और इसका पेस्ट लगा दिया है। अब इसको इस तरीके से किनारे किनारे मोड़ेंगे ताकि इसका पेस्ट बाहर ना निकले और फिर इसको इधर से भी इतना पहली बार में मोड़ देंगे और फिर हल्का हल्के हाथों से बहुत तेज दबाव के साथ आपको इसको नहीं मोड़ना है नहीं तो पत्ते फट जाएंगे। हल्के हल्के हाथों से आप इसको घुमा घुमा के रोल बना लीजिए। इन किनारियों को भी आप इधर से भी मोड़ दीजिए जब थोड़ा सा बाकी रह जाए और फिर इसको हल्के हल्के हाथ से इसको पूरा रोल बना दीजिए। और ये मैंने धागा रखा है, इसको आप हल्के हाथ से इसमें लपेट दीजिए। गठान नहीं भी बांधेंगे तो भी चलेगा, बस इसमें हल्का दबाव बन जाए। अब इसी तरीके से हम जो दूसरा पत्ते बचे हुए हैं उसका भी रोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे ये दोनों रोल तैयार हैं और ये थोड़ा पेस्ट अभी हम इसके ऊपर से भी लगा देंगे हल्का हल्का। ये देखिए इस तरीके से हमने इसके ऊपर भी रोल के ऊपर भी पेस्ट लगा लिया है। अब हम इसको एक चलनी में रख देंगे। आप चाहें तो इसको इडली के सांचे में या फिर जो भी आपके पास साधन है स्टीम करने के लिए उसमें आप रख के इसको स्टीम करें। तो मैंने इस तरीके से इसमें रख लिया है और ये आप देखिए हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। जब पानी गर्म हो जाए तभी हमको रखना है। इसके ऊपर ये मैंने इस तरीके से रख दिया और हम अब ढक्कन ढक के इसको 5 से 10 मिनट पकाएंगे धीमी गैस में। ये देखिए ये पक के, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, 10-15 मिनट इसको ऐसे छोड़ दिया था। तो ये देखिए ठंडा भी हो गया है। अब हम इस रोल को धीरे से निकाल लेंगे। ये देखिए इसका ये अब धीरे धीरे हम धागा इसका निकाल लेंगे। हल्के हाथों से इसको आप ऐसे निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसका धागा हटा दिया है और अब हम इसको पीस पीस काटेंगे।
उससे पहले हमने ये तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, डीप फ्राई करेंगे हम इसमें। तो आइए ये देखिए, इसको अब हम बारीक बारीक थोड़ा सा एक उंगली बराबर इसकी मोटाई लेंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से इसको पीस पीस काटते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से कट जाएगा। ये देखिए हमने इस तरीके से पीस पीस पूरे को काट लिया है। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं इसको, इसका भजिया बनाने के लिए ये जो चने की दाल मैंने पीस के रखी थी ये हम लेंगे। इसके साथ ही आधा कटोरी बेसन पाउडर लेंगे और ये साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चार हरी मिर्च है, दो पिंच मीठा सोडा है और इसके साथ ही आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा मैंने नमक लिया है। तो आइए हम इन सबको मिला लेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, पूरा अच्छे से पेस्ट बना लेंगे इसका। ये देखिए इसकी थिकनेस, यानी इतना ये गाढ़ा रहे कि हल्का ये थोड़ा सा ऐसे गिरे। बहुत ज्यादा गाढ़ा में फिर ये जिसकी भजिया हमको बनाना है उसमें फिर अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। अब ये पीसों को हम इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे, चार पांच पीस डाल लेंगे। और ये तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम बेसन, ये जो हमारा पेस्ट है इसमें इस तरीके से लपेटते हुए अब हम इसको ये तेल में डालेंगे। इसी तरीके से सारे पीस को डालेंगे। ये देखिए आधी भजिया लगभग तैयार हो गई है। इसको हमको अच्छे तरीके से पलटा लेना है और तेल जरूर अच्छे से डालिएगा, कढ़ाई में डीप फ्राई के लिए तेल जरूर चाहिए, कम तेल में फिर वो अच्छे से फूलता नहीं है। आप इस तरीके से धीरे धीरे इसको पलटा लें और ये करीब एक दो मिनट बाद सारी भजिया आपकी तैयार हो जाएंगी। ये देखिए भजिया तैयार है, अब हम इसको धीरे से निकाल लेंगे। और इसके बाद जो और बचे हुए पीस हैं उनको भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। ये देखिए गर्मा गर्म भजिया बनकर तैयार है और आप इसको सॉस के साथ, टमाटर की चटनी के साथ या दही के साथ, जो भी आपका मनपसंद है उसके साथ आप इसको खाइए और खाकर देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।